दोस्तों CUET 2022 में हुआ है बड़ा बदलाव। CUCT कह लीजिए या CUET कह लीजिए, एग्जामिनेशंस में बदलाव हुए हैं, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ये ऑफिशियल नोटिस आई है और इस नोटिस में जो तब्दीली है उसको बताई गई है। आपको पता ही चल गया है कि AMU में भी CUCT होगा, BHU में भी होगा, JNU में भी होगा, DU में भी होगा और जामिया में भी हो रहा है CUET एग्जामिनेशंस। और ये सारे जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हो रहे हैं। और जो अलीगढ़ जामिया BHU का जो स्कूल का टेस्ट होता था जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। BHU में तो मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है और लॉटरी सिस्टम हो रहा है, लेकिन AMU और जामिया में स्कूल में जैसे एडमिशन हुआ करते थे वैसे ही होंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जैसे एडमिशन हुआ करते थे वैसे ही होंगे। तो CUET में एग्जाम्स में बड़ा बदलाव हो गया है, उस बदलाव को देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने TBIT क्लासेस एप्लीकेशंस पे क्लास 6 का, 9th का, 11th का, BA और BLLB की तैयारी करवा रहे हैं, इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक का भी। तो आप लोग प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दिए गए ये दो नंबर है चित्रांश सिंह जी का और तौसीफ अंसारी जी का, चित्रांश या तौसीफ दोनों में से किसी एक पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। आप हमारे tbit.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको CUET फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरा कोड जो है tbit10, इसके इस्तेमाल करके अनअकैडमी पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज होंगे उसको आप फ्री में पा सकते हैं। और जो भी डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है उसके बाद और भी डिस्काउंट चाहिए, यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा कोड TBIT10 यूज करेंगे तो जो भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उसके बावजूद भी, उस ऑफर के बाद भी आपको 10% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा मेरे TBIT10 कोड से। तो जो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जरूर या हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा या अनअकैडमी पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा और अनअकैडमी दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। CUET में देखिए ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, ये आपको रिवाइज हुई है। जैसे पहले इन्होंने मांगा था कि क्लास 10th का या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का अपलोड करना है 50 KB से लेकर 300 KB, तो अब इन्होंने क्या किया है, इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, और फिर से नंबरिंग कर दिया है। तो इन्होंने जो सर्टिफिकेट मांगा था अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। और इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसमें एक चीजों को क्लियर कर दिया है कि पहले लिखा था कि इफ नॉन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और क्वेश्चन इन फाउंड टू बी रॉन्ग और क्वेश्चन इज ड्रॉप देन ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 5 marks। इन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं चलेगा, अब ये चलेगा। क्या चलेगा? इफ नॉन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और क्वेश्चन इज ड्रॉप देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप्ड क्वेश्चंस विल बी गिवन 5 marks। यानी जिन्होंने अटेम्प्ट किया रहेगा क्वेश्चंस को और वो क्वेश्चंस गलत पाया गया तो आपको 5 marks मिलेंगे। पहले क्या था कि पहले इन्होंने कहा था कि सबको मिल जाएगा, सबको नहीं मिलेगा, जो उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, उस क्वेश्चंस को बनाएगा, उस क्वेश्चन को कोशिश करेगा उसी को 5 marks मिलेगा। फिर इन्होंने तीसरा बदलाव किया है कि इवैल्यूएशन ऑफ MCQs ऑफ ऑल द टेस्ट सब्जेक्ट्स विल बी कैरीड आउट यूजिंग फाइनल आंसर की एंड रॉ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फर्दर फॉर कंपटीशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द CUET। अब इन्होंने ये जो क्लॉज था इसको ड्रॉप कर दिया है। मतलब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि सेंट स्टीफन में ऐसा हो रहा है कि वो इंटरव्यू भी लेंगे, तो सेंट स्टीफन वाले जरूरी नहीं कि सारे मार्क्स के बेसिस पे लेंगे, कुछ 15 नंबर के या 10 नंबर का इंटरव्यू भी रखा है, तो ये जो क्लॉज था इसको इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। चौथा जो अब तब्दीली किया है कि अपलोड करना है इमेज या PDF क्लास 10th इक्विवेलेंट, इसको इन्होंने ये सर्टिफिकेट को क्या किया है जो अपेंडिक्स में, इसको भी ड्रॉप किया। यानी आप क्लास 10th का इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करनी है और जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अगर वो क्वेश्चंस गलत पाया गया तो आपको 5 marks मिल जाएंगे। और इन्होंने कहा था कि आपको CUET के एग्जाम के स्कोर से ही एडमिशन होगा, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है तो अपनी यूनिवर्सिटी अपने क्राइटेरिया से लेंगे, इसलिए इस क्लोज को भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये था बड़े बदलाव, जिसको एग्जाम देना है उनको ये जाना जरूरी था, इसलिए मैं आपको वीडियो बना दिया हूं कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसमें बदलाव हुए हैं तो सबको जानना है। CUET के एग्जाम इस बार पहली बार हो रहा है इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारा चैनल है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको तैयारी करनी है 6, 9, 11 BA, BLLB पॉलिटेक्निक का, जामिया अलीगढ़ का, तो ये ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको CUET की तैयारी करना है, फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो TBIT10 यूज करके अनअकैडमी पर पा सकते हैं, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।